रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के तत्वाधान में अशोकनगर में रविवार को एक निजी होटल में स्प्रिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को वैल्यू बेस्ड गेम तथा बौद्धिक विकास के अलावा कल्चर और डे टू डे जीवन में सिविलाइज तरीके को कैसे प्रयोग में लाए के बाबत उन्हें सिखाया गया। साथ ही बच्चों को खेल खेल में जीवन के कई जरूरत चीजें के संबंध में भी अवगत कराया गया। वहीं आयोजकों का कहना था कि इस प्रकार के कार्यक्रम से जिले के नौनिहालों का बौद्धिक विकास एवं पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है, जो कि आने वाले समय में उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे कि वह देश के एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। करवाया है, क्या बता रहे हो बच्चों को, क्या बताया जा रहा है? आज हम लोग का ये स्प्रिंग कैंप है और इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रोटरी क्लब, एंड इसमें हम लोग बच्चों को आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा डे स्पेंड करवा रहे हैं और इसमें वैल्यू बेस्ड गेम्स करवा रहे हैं। एंड एक हम लोग का जो आज टॉपिक था कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हम लोग को कैसे सबको हमारे लाइफ में जो जो लोग आते हैं उसको हमको कैसे थैंक यू बोलना चाहिए। खाली बोलना ही नहीं है, हमको फील भी करना है। एंड देन हम लोग के पास आज वो वैल्यू बेस्ड गेम्स उन लोग को करवाने वाले हैं कि जिसमें गेम खेलते खेलते कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देना है। तो वैसे 2-3 गेम्स रखी हुई है, लंच वो लोग के लिए प्रिपेयर किया हुआ है और हेल्दी फूड खाना है। तो हेल्दी फूड के बेस्ड के ऊपर भी हम लोग कैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो वो भी हम लोग आज वो लोग को बताने वाले हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ फन फील्ड एक्सपीरियंस वो लोग के लिए आज रहेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं तेजल देसाई,